देखो 60 की उम्र में काले लंबे घने मेरे बाल, क्लिनिक कसने किया कमाल। और ये देखो 25 की उम्र में थोड़े जैसे इनके बाल, डिप्रेशन, एंजाइटी और मुटकरनी ने किया कमाल। इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहिए, आइए घुमाते हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाया जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे उसे ब्लॉक कर दो, साली ने मुझे ही ब्लॉक कर दिया। बहुत सही, और क्या ज्ञान ले लो। पुलिस स्टेशन से आकाश शर्मा बात कर रहा हूँ। अभी हमने 4 लड़के गिरफ्तार किए जिसमें से एक लड़के ने आपका नंबर मिला के दिया आपसे बात करने के लिए। तो आप अभी मुझे ये बताइए ना, आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम अनिल है। कितने साल का है आपका बेटा अनिल? 16 साल का। 16 साल का। कहाँ पे आपको मालूम है? नहीं। आपका बेटा भी लड़की रेप में गिरफ्तार हो चुका है अपने दोस्तों के साथ। जो आपका बेटा अनिल है ना, अभी आपको मम्मी बोलता है या डैडी बोलता है? आपको क्या बोलता है आपका बेटा? सर मम्मी बोलता है, मैं डैडी तो हूँ नहीं, मम्मी हूँ उसकी। आप अपने बेटे के साथ, अनिल के साथ बात कर रहे हैं? आप अपने बेटे के साथ? जी बात करवाइए। क्या नाम है आपके बेटे का? बात करवा देता हूँ मैं। अनिल। इनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है। इंडियन होम बहुत सही, जो प्रैंकस्टर मूडी है ना। किसी दिन मेरा मन करता है कि मैं बोलती जाऊँ चुप ही ना हूँ। अगले दिन मुझे लगता है यार ये क्या बकवास लोग हैं, मेरे को चुपचाप बैठ के एक कोने में बैठना है। एक दिन मेरा मन करता है मैं बहुत सारा डांस करूँ। अगले दिन मेरा मन करता है कि मैं 60 सॉन्ग गाऊँ। कभी कभी मुझे एक इंसान बहुत अच्छा लगता है और उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना होता है और मुझे अचानक से अगले दिन लगता है मुझसे इतना चेप क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है मूड स्विंग्स हो रहा है ना। दिखाया लड़कों में आपको क्या क्या पसंद है? मुझे हाइट, लुक और डिक का साइज मैटर करते हैं बहुत सारी लड़कियों को, तो शायद वो शाह मेरे लिए मैटर करता है। अंकल आकाश को भेजना। साले नशेड़ी भाग जाए यहाँ से। नहीं भेजना तो मत भेजो, लेकिन गलत इल्जाम मत लगाओ। ओ माय गॉड। भाई तू मास्क पहने रखता प्लीज। भाई तू मास्क पहने रहता यार। अन्नू। हाँ। तूने क्या वो मुंह में लिया है? वो क्या? अरे जो मोटा सा होता है जिसके आसपास बाल होते हैं, नरम नरम सा होता है। छी कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है बदतमीज। चल झूठी, तूने भुट्टा नहीं खाया? मुंह में लिया क्या होता है, हैं? गधी कहीं की चबाया जाता है भुट्टा। एक 10 पैसा देना। मेरे पास नहीं है बेटे, चल। ए, ए, खाने खिला देना। बोले ना मेरे पास नहीं है। ए, देख ना मेरी पैंट पड़ गई, एक पैंट दिला देना। कहा ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो देना, दोनों मिलकर भीख मांगी। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। साला सिगरेट पी रहा है, सिगरेट के पैसे हैं बच्चे को देने के लिए नहीं है। 2017 में ब्लू व्हेल गेम खेल लिया होता ना तो आज दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। भाई जिंदा ना बचता तू, ठीक है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप बहुत लक्की हैं, बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, वरना बहुत देर हो जाती। जी हाँ, मैं अभी अभी घर के लिए निकलने वाला था। अरे डॉक्टर साहब तुम्हारी किसको जल्दी थी यार। आपका भी चलान कट रहा है, जो पल्सर मोटरसाइकिल वाले ब्लैक कलर वाले, आपका भी चलान कट रहा है। मान ही उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, काटना है काट दो, अपन को फर्क नहीं पड़ता। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो आपका चालान कट रहा है भाई। ये चैट गिरी ना तुम्हारी स्वैगर जितनी भी है सारी पुलिस वाले निकाल देंगे, ठीक है? जिंदगी भाई बचपने में ही अच्छी थी, जब कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, जब किसी दुकान में जाते थे कि भैया 5 रुपए के गाने भर दो,
और गाने भरने की जगह भैया बोलते थे कान में भैया थोड़ी पीएफ भी डाल देना एमपी से फोन में क्या देखता तू देखते थे फोल्डर के अंदर कोई बहन गौड़ा हमारे सिवा जान ना पाए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई? भाई क्रूजर बाइक क्यों दिखा रहा है? वो स्पोर्ट्स थी। हद हो गई है, पहुंच गई ऊपर। ये धोखा, इतना बड़ा धोखा। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इतनी जगह में कैसे ढूंढेगा इतने बालों में? सांप, देखो सांप। अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, चिड़ गया। देख लीजिए, यही मेरी वाइफ है, अभी सात फिरा का विधि हो रहा है, ठीक है आप? सभी लोगों को नमस्ते बोलो, प्रणाम करो। नमस्ते, प्रणाम। आप सब लोग ठीक हैं? क्योंकि रील बनाने का टाइम नहीं मिल रहा ना दोस्तों, तो अभी क्या बना रहा है? अभी क्या, ये क्या कितने और कितनी रील बनाएगा? अबे एक मैं हूँ साला, छह महीने से रील डाली नहीं, एक इसको देखो, शादी में 17,000 रील डाल दी इसने। नहीं यार, मतलब क्यों, क्या दिक्कत है? अरे पॉसिबल नहीं है यार, क्या कमी है तुझमें? ₹500 में जो चाहिए वो देगी पक्का। हाँ जो चाहिए वो दूंगी। क्या चाहिए? ₹1,000 दे। आपको दवाई लेनी हो तो लो, यहाँ ड्रामा मत करो, और भी पेशेंट बैठे हैं। ओ भाई, ओए 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 ओए, भाई यार आराम से बात करिए, यहाँ और भी पेशेंट है। भाई और भी पेशेंट है तो ये डॉक्टर है, साला एमबीबीएस डॉक्टर कहता है अपने आप को, झोला छाप डॉक्टर है ये, इसको खुद इलाज की जरूरत है। क्या हो गया मंगरू? मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया, पिछले कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है मुझे, है ना? अच्छा। घर वाले कह रहे हैं एकदम हड्डल हो गया है, सूखता जा रहा है, मरीज हो गया है, ले जा पैसे डॉक्टर के यहाँ, इलाज करा ले, दवाई लिया। अच्छा। हाँ दवाई लेना है मैं यहाँ पे, तो मेरे को ये भूख लगने की दवा दे दी है इन्होंने। अरे तो भाई जब भूख लगने की दवाई चाहिए तो डॉक्टर साहब वही तो देंगे। अरे भूख लगने की दवा दी है ठीक है, मैंने पूछा खाना कब है तो कह रहे खाना खाने के बाद, मैं खाना खा ही लेता मैं, फिर ये दवाई क्यों लेने आता? पॉइंट तो है यार। ओ भाई ने ट्रॉफी जीती। या तो उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता है, या तो उसकी शादी हो चुकी होती है, या तो उसका प्यार और से भरोसा उठ चुका है। यार I don't want to see it. No, please, no. Upar wale.